नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमित देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो। आज का दिन सियासत का बड़ा एक्शन पैक्ड दिन था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे जोरदार और बड़ा प्रहार किया, जिस इंडिया यानी INDIA नाम को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ आया, जिस इंडिया नाम के सहारे विपक्ष सियासी दाव चल रहा था, इसी नाम पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगाया गया था और PFI के नाम में भी इंडिया है। इतना ही नहीं, PM मोदी ने भी ये भी कहा कि ऐसे दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है और हताश है, लेकिन मोदी के इस प्रहार के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया, यानी पलटवार किया और कहा कि मोदी जी, आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, लेकिन हम इंडिया हैं, लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच संसद आज चौथे दिन भी ठप रही है। और खबर यह भी है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का दांव चल सकता है। लेकिन मैं आपको देश के लिए एक जरूरी एक आंकड़ा भी बता देता हूं। बीते मानसून सत्र के 4 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रोडक्टिविटी के मात्र 7%, यानी जनता का काम ठप है और सियासत जबरदस्त है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नाम पर कोहराम, आज का आर पार इसी पर। व्यूअर्स, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है वहीं ऊपर वो चर्चा करने, हमें कुछ छुपाना नहीं। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ और हताश है। इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नाम में इंडिया लगाया गया था, PFI के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो पताका, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। गृह मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं, तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मोदी जी आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम इंडिया हैं। इस बीच विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई विकल्प विपक्ष के सामने नहीं बचा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हर सत्र में हंगामे वाली रणनीति का सूत्रधार कौन है, इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नाम पर कोहराम। नाम पर कोहराम भी है और नाम पर संग्राम भी है, लेकिन नाम पर छिड़े संग्राम का विश्लेषण स्क्रीन पर आप अवतरित होगा। NDA 370 के खिलाफ है, लेकिन ये जो INDIA है, इसके कई दल 370 के साथ रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। तीन तलाक के विरुद्ध है NDA और INDIA के कई नेता तीन तलाक के पक्ष में है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो RJD के कई नेता हो। बढ़ता हूं मैं आगे, राष्ट्रवाद पर मुखर है NDA, कुछ नेताओं को वंदे मातरम से परहेज है। हाल ही का एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी, वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा में बिफर पड़े और कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, यानी अब ये INDIA वाले वंदे मातरम का विरोध करेंगे। बढ़ता हूं मैं आगे,
एनडीए खुलकर राम मंदिर के साथ है। कई दल राम मंदिर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। लालू यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी का रथ रोका था, कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई थी जब संतों पर गोली चली थी, जब संतों को मारा गया था, कार सेवकों को मारा गया था। और तो और इसके अलावा चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था एनडीए ने, याद होगा आपको, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे। हर नेता ने लगभग आईएनडीए के नीतीश कुमार को अगर हम छोड़ दें तो हर नेता ने सबूतों की बात करी थी। बड़ा सवाल सिर्फ नाम के सहारे क्या चुनावी नैया पार हो जाएगी, ये सवाल मैं कई दिनों से उठा रहा हूं, क्या नाम के सहारे पार हो पाएगी ये चुनावी नैया, ये बड़ा सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, महुआ माझी सांसद जेएमएम की, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, मूल सवाल इस समय यह है, क्या आपको लगता है जैसा निशिकांत दुबे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या आपको लगता है कि इंडिया नाम से आप बेफर पड़े हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात ये जो गठबंधन है जिसने तथाकथित रूप से अपना नाम इंडिया रखा है, फ्रस्ट्रेट तो वो है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी तक ना इनका नेता तय है, ना नीतियां तय हैं, और इनकी नियत तो